कोरोना काल के अंदर इस नई सब्जी मंडी का स्थानांतरण का मुद्दा काफ़ी बार उठा था और प्रशासन ने आनन फानन में इसके आदेश भी निकाल दिए थे। और यह जो सब्जी मंडी है, जो नई सब्जी मंडी बनकर तैयार है सरकारी, वहां पर शिफ्ट होने का आदेश भी निकाल दिया गया था SDM महोदय द्वारा, लेकिन कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटों बाद उस आदेश को निरस्त भी कर दिया गया था। आप देख रहे हैं शिवनौरी टाइम्स में पंकज कैमरामैन दीपक भाटी के साथ। दोस्तों, खड़े हैं अपन चिड़ावा शहर में सब्जी मंडी के अंदर, और नई सब्जी मंडी है ये, और काफ़ी यहाँ पर समस्याएं रहती है आमजन को, आसपास में जो रहने वाले हैं उनको भी काफ़ी समस्या आती है, क्योंकि कचरा यहाँ पर आप देख ही रहे हैं इतना ज़्यादा हो जाता है कि गंदगी हो जाती है, तो उससे मौसमी बीमारियाँ है या फिर अन्य बीमारियाँ हैं उनका प्रकोप बढ़ जाता है। अपन बात करेंगे आज अलग अलग मुद्दों पर। पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी आज देर रात लगभग 1 या 2 बजे के आसपास, जो आप सामने टेकड़ा देख रहे हैं, यहीं से एक पिकअप गाड़ी सब्जी की भरी हुई यहाँ से निकलने के लिए वहाँ पर रुकती है कोई पर्ची वगैरह कटवाने के लिए, लेकिन जब वो गाड़ी खड़ी की जाती है, पिकअप खड़ी की जाती है, तब उसका शायद ड्राइवर के द्वारा हैंड ब्रेक या उनके टायर के आगे कोई पत्थर वगैरह नहीं लगाए जाते, जिसके कारण वो गाड़ी गुड़ने लगती है, निकलने लगती है, चलने लग जाती है अपने आप ही। मानिए कि वो जादू हो रहा हो, मानिए कि रात को 12-1 बजे का समय है, तो उसमें कोई आत्मा घुस गई हो गाड़ी के अंदर, और वो गाड़ी सीधी यहाँ से आती है, इसी रास्ते से आती है, और सामने एक ई मित्र की दुकान है शर्मा ब्रदर्स नाम करके, उससे जा टकराती है और वहाँ पर कुछ सामान रखा होता है छोटा मोटा, उसमें जाकर उसको धराशायी कर देती है, चबूतरा है उसको भी धराशायी कर देती है। गनीमत ये रहती है कि इस बीच कोई जनहानि या कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती, क्योंकि रात का समय होता है तो कोई भीड़ भाड़ थोड़ी कम होती है, ये एक गनीमत रहती है कि कोई बड़ी दुर्घटना उस समय उस मौके पर नहीं हुई। अन्यथा अगर उस गाड़ी के सामने कोई व्यक्ति या फिर कोई पशु या फिर कोई व्हीकल आता है तो वो उसका पता ही है उसका क्या अंजाम होगा। काफ़ी बार हमने इस सब्जी मंडी का मुद्दा उठाया है कि इसको सरकारी जो सब्जी मंडी, फल सब्जी मंडी बनकर तैयार है, वहाँ पर इसको शिफ्ट की जाए। अब वो कंप्लीट तैयार है, पूरी तरह से उसमें लाइट पानी और सभी चीज़ की व्यवस्था हो चुकी है, क्योंकि ये कंजस्टेड एरिया है यहाँ पर शहर के अंदर, तो यहाँ इस मंडी का चलना कितना सही है और कितना गलत है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर जो ट्रक आते हैं दोनों ही साइडों से, दोनों ही रास्तों से, तो उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना इस फल सब्जी मंडी को वहाँ सरकारी सब्जी मंडी बनकर तैयार है, जहाँ पर काफ़ी पैसे लग चुके हैं, वहाँ इसको शिफ्ट किया जाए। काफ़ी बार मुद्दे उठाए हैं, लेकिन शायद और शायद इस सब्जी मंडी को लेकर जो राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं वो उसका आपस में मतभेद है, या फिर ये सब्जी मंडी के जो दुकानदार हैं, ये फल सब्जी मंडी वाले हैं, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, वो लोग नहीं चाहते कि ये सब्जी मंडी वहाँ पर शिफ्ट हो। अब ये तो पता नहीं कौन नहीं चाहता और कौन क्या चाहता है, लेकिन चिड़ावा सरकारी सब्जी मंडी बनकर तैयार है और वहाँ पर अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी बड़ी जगह है, हमने लाइव भी दिखाया बहुत सी बार, तो वहाँ पर अगर इस सब्जी मंडी को शिफ्ट किया जाता है तो काफ़ी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, यहाँ आसपास के जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनकी काफ़ी समस्याएँ दूर हो सकती हैं। तो वीडियो के अंदर देखिए CCTV फुटेज में कि वो पिकअप कार है, पिकअप गाड़ी है, वो किस तरह से उसमें अंदर आत्मा घुस जाती है या फिर किस तरह से वो अपने आप चलने लग जाती है और सीधा जाकर गाड़ी से टकराती है, दुकान से जाकर टकराती है। सामने जो तो दुकान है वो आपकी है? हाँ जी, हाँ जी। तो रात को कोई पिकअप के अंदर कोई भूत या कोई आत्मा घुस गई थी क्या? पता नहीं है साहब, ये मंडी हमारे लिए तो भूत हो रही है। क्यों अजी? तो यार तीसरी घटना है हमारा, कम से कम भी 30-40 हज़ार रुपये को तो एक बार नुकसान हो गया, और कम से कम 20-25 हज़ार रुपये को पिछली बार नुकसान हो गया। तो कैसे होता है ये हमारा साथ में ये दुकान वाला सुभाष माउंडिया और विनोद माउंडिया, ये दोनों मार तो गेल हो रहा है, दुकान का आगे से ही पिकअप भिड़ा है। तो वो थोड़े चाहते हैं कि भाई वो गाड़ी जो भी है वो सीधा आपकी दुकान में जाए? बे चाह रहा को नहीं, लेकिन पिछली बार जो भिड़ी भाभी ने रिकॉर्डिंग दिखाई थी मैं को साहब, या तारे दुकान का आगे से गाड़ी भिड़ेड़ी है, तो दुकान का आगे गाड़ी लगेड़ी के तो अणकन आवेगी नहीं और कट जाएगी बताओ, और ये कोई बतावा को नहीं कड़े से आई है कहीं आई है। अभी आपने पुलिस कम्प्लेन किया नहीं? पुलिस कम्प्लेन जाकर कराऊंगा, 15 हज़ार रुपया नुकसान अणको हो रही है दुकान जी। आपका क्या होगा? अपना तो रेंग का नुकसान हुआ है, बाहर पड़े इसका। तो किस तरह से वो गाड़ी में कोई आत्मा वत्मा घुस गई थी या कैसे अपने आप चलने लगती? नहीं, वो वहाँ गाड़ी खड़ी थी, कैमरे में दिखाई दे रही है, वो फिर गटरा में चलता उधर गुड़ के आ गई। तो इस सब्जी मंडी की नई सब्जी मंडी जो है बनकर तैयार हो चुकी है अपने सुल्ताना रोड के ऊपर, तो वहाँ पर शिफ्टिंग की, स्थानांतरण की कई बार मांग की गई है, तो वहाँ पर क्यों नहीं हो पा रही है?
पतो कौन साहब इनकी के बदमाशी है समझ में। अगर ये वहाँ पर शिफ्ट हो जाए तो अच्छा है बुरा है? बढ़िया ही है हमारे लिए तो, बढ़िया ही है हमारे लिए तो, बढ़िया ही है। और सब यहाँ पे काफी गंदगी भी रहती है तो उससे भी गंदगी भी छिड़ा में तो मतलब परेशान हो लिया गंदगी खातर पूरा, मतलब कोई ये साधन खड़े होकर आया खातर नुकसाना खातर, मतलब सारी ये 7-8 दुकान है सबका माई ना गाड़ी बिड़ाई है करीब करीब। और यहाँ पे जैसे बड़े ट्रक आते हैं तो उनकी भी आपस में झड़प होती है? हाँ हाँ सारो मार तो गोदिम दाड़ को काम ही बने हो रहा है। तो अभी आप लोग मुख्यतः क्या चाहते हैं? अभी पुलिस कंप्लेन करेंगे नुकसान भी होता है साहब। अणकन जाए सुबह या मानो 6 बजे भी कहेंगे 5 बजे से उ ही खड़े हमें तो कदे तो बणकन जा रहे हैं कदे बणकन जा रहे हैं। मंडी का माई ना 15 दुकान हम जाए हमें तो मो साहब कोई गल्लो बिठाओ कोई गल्लो नहीं है तो कोई मतलब कोई बता रही नहीं है कि हमारी गाड़ी है कि नहीं है कि है कि शिवाजी की गुरुद्वारा आई गाड़ी खड़ी हुई थी उसके आए थे वहाँ उतरे फिर वो गाड़ी घुट के आ गए शिवाजी बता नहीं रहे कहेगा आपका नंबर कबाड़ के दे दूंगा 2-4 दिन में। तो दोस्तों ये सब्जी मंडी का स्थानांतरण का मुद्दा काफ़ी बार उठा है और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये शिफ्ट होती है तो वाकई में एक अच्छा काम होगा क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बड़ी जगह है तो वहाँ पर तो बहुत सारी सुविधाएं भी है, पानी की व्यवस्था होती है, लाइट की व्यवस्था होती है और बहुत बड़ा ग्राउंड है तो वहाँ पर इस मंडी को जाना चाहिए। और पहले मैं जैसे बता चुका हूँ कि आदेश भी हो चुके हैं, निरस्त भी हो चुके हैं, लेकिन अब क्यों नहीं हो पा रहा है ये तो समय ही बताएगा और कब होगा ये भी समय ही बता पाएगा। राजनीतिक की जो है द्वेष या फिर इन दुकानदारों की जो मिलीभगत है हो सकता है वो इसमें शामिल हो।